350 करोड़ डोलो टैबलेट की बिक्री, 20 महीने में 567 करोड़ की कमाई। मतलब कोरोना के दौरान जितनी डोलो 650 बिकी, अगर उन टैबलेट्स को एक के ऊपर एक रखेंगे तो माउंट एवरेस्ट से 6000 गुना ऊंचा पहाड़ खड़ा हो जाएगा। ये इतनी ऊंचाई है जिसमें 63,000 बुर्ज खलीफा खड़े हो सकते हैं। भारत में पैरासीटामॉल के करीब 37 ब्रांड बाजार में हैं। साल 2021 में डोलो 307 करोड़ रुपए की बिक्री के साथ भारत की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली एंटी फीवर दवा बन गई। डोलो 650 को लोग सिर्फ खरीद नहीं रहे बल्कि गूगल भी कर रहे हैं। जनवरी 2020 में कोरोना महामारी आने के बाद गूगल पर 2,00,000 से ज्यादा लोगों ने डोलो 650 कीवर्ड सर्च किया है। यहां तक इस दवा को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स भी वायरल हुए हैं। आखिर डोलो 650 में ऐसा क्या जादू है जो लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है, चलिए जानते हैं आज की ब्रांड स्टोरी में। डोलो 650 बनाने वाली कंपनी बेंगलुरु की माइक्रो लैब्स लिमिटेड है। इस कंपनी की शुरुआत साल 1973 में दवा डिस्ट्रीब्यूटर जीसी सुराना ने की थी। आज इस कंपनी को उनके बेटे दिलीप सुराना चलाते हैं। माइक्रो लैब्स ने अपने पैरासीटामॉल को 650 mg के रूप में रीलॉन्च किया और इस बात पर फोकस किया कि सभी ब्रांड 500 mg ही देते हैं। इसी वजह से डोलो 650 पॉपुलर हो गई। कंपनी ने क्लिनिकल एविडेंस दिए कि 500 mg के मुकाबले 650 mg से दर्द से बहुत जल्दी निजात मिल जाती है। माइक्रो लैब्स ने अपने ब्रांड प्रमोशन में FUO यानी फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन टर्म का इस्तेमाल किया। इससे डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन भी बढ़ गया। अगर बुखार का कारण पता नहीं है तो डॉक्टर भी आंख मूंद कर डोलो 650 प्रिस्क्राइब करने लगे। डोलो 650 की सफलता के पीछे एक बड़ी वजह है कि इसे आज भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जबकि क्रोसिन को नहीं, क्योंकि ये दवा किसी भी एज ग्रुप के लोगों को दी जा सकती है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। बुखार या बदन दर्द की हालत में आमतौर पर पैरासीटामॉल खाने का ट्रेंड है। जिस तरह से बोतल बंद पानी के लिए बिस्लेरी और फोटोकॉपी के लिए जेरोक्स ब्रांड का इस्तेमाल होने लगा है, वैसे ही पैरासीटामॉल को लोग डोलो बोलने लगे हैं। डोलो की प्रसिद्धि कोई नई नहीं है। साल 2010 में डोलो 650 को बेस्ट मैनेज्ड ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। ब्रांड एक्सपर्ट की माने तो डोलो की लोकप्रियता के पीछे सबसे बड़ी वजह इसका आसान नाम है, ये फौरन जुबान पर चढ़ जाता है। दूसरी वजह है इसका 650 mg की कैटेगरी में एंट्री मारना और एक धारणा बन गई है कि ये बुखार में जल्दी और ज्यादा असरदार है। माना जाता है कि पैरासीटामॉल कैटेगरी में क्रोसिन पहला ब्रांड लॉन्च किया गया था। साल 1990 में कंपनी ने अपने पॉपुलर ब्रांड क्रोसिन को स्मिथ क्लाइन बीचम फार्मास्यूटिकल को बेच दिया, जिसका बाद में ग्लैक्सो वेलकम में मर्जर हो गया। इसे ही आज GSK यानी ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन के नाम से जाना जाता है। GSK के पास पहले से कालपोल ब्रांड था। कालपोल और क्रोसिन में समय के साथ एक बड़ा अंतर देखने को मिला। कालपोल प्रिस्क्रिप्शन का ब्रांड बन गया और क्रोसिन ओवर द काउंटर ब्रांड बन गया, यानी बुखार और दर्द में लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर से क्रोसिन खरीद कर खाने लगे। यहीं से क्रोसिन का परसेप्शन बदल गया और यही बात डोलो के फेवर में चली गई। मतलब जब कोई ब्रांड ओवर द काउंटर बन जाता है तो डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब करने से बचते हैं, क्योंकि मरीज को लगने लगता है कि जब क्रोसिन ही प्रिस्क्राइब होगी तो इसके लिए डॉक्टर को फीस क्यों चुकाएं। कोरोना की लहर में डॉक्टर ने जमकर डोलो प्रिस्क्राइब की। एक दूसरे की देखा देखी लोग खुद भी मेडिकल स्टोर पर जाकर डोलो 650 खरीदने लगे और महज 20 महीने में ये भारत का फेवरेट स्नैक ब्रांड बन गया। अगर सिर्फ एक महीने की बात करें तो दिसंबर 2021 में डोलो 650 ने 28.9 करोड़ रुपए की टैबलेट बेची है, जो दिसंबर 2020 के मुकाबले 61.45% ज्यादा है। ये आंकड़े डोलो की बढ़ती लोकप्रियता को दिखाने के लिए काफी हैं। और भी ऐसी ही ब्रांड स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।